बात है वसुधा अपार रे, आया पंच कल्याणक वसुधा हो रही प्रभु जयकार रे, आया पंच कल्याणक मंगल महोत्सव पार्श्व कुंवर का हर्षित है वसुधा अपार रे, आया पंच कल्याणक होगा।
विताल उड़े केसर गुलाल आए पारस कुमार कुमार रे कुमार आए पारस कुमार कुमार रे कुमार आए पारस कुमार पारस कुमार जी हो यहाँ जन्मे है पारस कुमार जी सभी साधन विबंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र।
मंगलमय तीर्थ यात्रा का सुंदर क्रम आगे की ओर बढ़ रहा है। दस लक्षण महापर्व हम सभी ने बड़े सानंद भक्ति भाव पूर्वक पूर्ण किए। अपने स्वाभाविक लक्षणों को जानने की मंगल भावना से यह दस धर्म आत्मार्थी बंधुओं को आराधना का सुअवसर होता है और इस अवसर के साथ ही रत्नत्रय व्रत प्रारंभ हुए थे। आज रत्नत्रय व्रत भी पूर्ण होने का पवित्र दिवस है और निश्चय रत्नत्रय यदि पूर्ण हो जावे तो निश्चित संसार का अभाव होगा। और देखा जाए तो तत्वार सूत्र में सूत्र आता है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। इस अनुसार दर्शन ज्ञान और चारित्र इसकी पूर्णता इसकी प्राप्ति होना यही वास्तव में रत्नत्रय धर्म की आराधना है। हम और आप सभी इस मंगलमय रत्नत्रय धर्म की आराधना करते हुए और संसार दुखों से मुक्त हो इस मंगल भावना के हुए आज हम सभी श्री दिगंबर जैन मंदिर रांची जो की 231वीं मंगल तीर्थ वंदना में जिस भव्य जनालय के दर्शन किए थे। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पुनः पुनः जाने का भाव आता है। उस क्रम में कल मुझे रांची के दर्शन का पुनः परिणाम हुआ और आज इस सुंदर जिन मंदिर दो जिन मंदिर जो यहाँ थे उनके हमने दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। आइए विनय पाठ के माध्यम से यहाँ विराजमान अनेक तीर्थंकर भगवंतों को समोषण भगवान महावीर स्वामी का समोषण भी यहाँ पर है। ऐसे सुंदर जिन मंदिर आदिनाथ भगवंत आदि के मंगल दर्शन करते हुए और हम सभी अपना पूजन क्रम प्रारंभ करते हैं। विनय पाठ कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मर मन में भायो रे। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मेरे मन में भायो रे। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से प्रभु समुद्र नहीं दीखता पूर्ण हुए सब दुर्निवार सब कर्म अरुमोहादिक परिणाम स्वयं दूर मुझसे हुए खत तुम्हें लगा संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रह जा हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार कारण में था तुका नाशक ज्ञान सुधान खुद के हुआ मुझे प्रभो कीजे आप समान मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खामा आज हुआ प्रत्यक्ष सम दर्शन से भगवान तीन भावना मिट गई चिंता मिटी असे निज प्रभु का भाई प्रभु रहा न दुख काले शरण रहा था खोजता इस संसार मगा निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम मैं वंदो जिन राज को धन और समता भाव धन 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 जग जाल से धर विरागता भाव यही भावना है प्रभु मेरी प्रणतिमा राज देश की प्रणतिमा अवसर आयो रे आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मर मन में आयो रे। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मर मन में आयो रे। पुष्पांजलि छिपे और आइए पूजा पीटिका हिंदी भाषा के माध्यम से पंच परमेष्टियों का स्तवन प्रारंभ करेंगे। अरहंत सिद्ध सूरि नामा ओ बजाय साधु गुण गामा परमेष्टि पद सुख सारी पूजन करो दुख हारी।
ओम रीम सेनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं सिपे चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक आतरो सिद्ध साधु दयामय धर्म अन्न में लोड़ना सुख दुख कार है वे स्वयं सुख रहित सुख नाम के कामर हे प्रभु आपको लक्ष्य हुआ शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम आइए मंगल विधान भाषा के माध्यम से पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करेंगे। दृष्टि से ज्योति ने लोक स्वामी मुक्ति रमापति है साध वास नायक कानंत चार लो है पूजा विधि करूंगा स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक आइए हम सभी वर्तमान कालिक 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करेंगे। श्री श्री फल श्री हंस श्री वास पूज्य हर विमल प्रभु श्री अनंत धर्म हर शांति को मंगलमय मुक्ति विधायक हर नाथ मही मुनि सुब्रत अभिनाथ ने मारुपात प्रभु श्री वरद मान सुख वरद एक पर विवेक प्रगटायक पुरुषार्थ भूल कार्य ये व्यवहार सहायक
पुष्पांजलि छिपे। और आज इस मंगलमय क्षेत्र के जो दर्शन कर रहे हैं जिन मंदिर के जो कि रांची में विराजमान है, या दो जिन मंदिर हैं आपने देखे होंगे, एक तो आदिनाथ भगवान का एक प्राचीन दिगंबर जिन मंदिर जो है जहाँ पर अनेक वितरागी भगवंत हैं, और साथ ही साथ एक दूसरा जिन मंदिर है वाशुपूज्य भगवान का सुंदर जिन मंदिर। प्रसन्नता की बात है, इस जिन मंदिर के जो निर्माता है श्रीमान राय बहादुर जी साहब का जो परिवार, जिसमें हमारे बहन रांची से जुड़ती हैं, बहन प्रतिदिन रचना जी सुगानी, हमारे रमेश जी सुगानी साहब की पुत्री हैं और रांची से वो बहन जुड़ती हैं, उनके माध्यम से ये सुंदर वीडियो हमें प्राप्त हुआ था। और वासुपूज्य भगवान का ये सुंदर जिनालय उनके परिवार और उनके पूर्वजों की मंगल भावनाओं से निर्मित हुआ था। ऐसे सुंदर जिनालय के दर्शन मानो आज आमंत्रणकर्ता के रंग में वह भी हैं। और साथ ही साथ हमें संध्या काल में सहजी मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ था, यद्यपि नाम उल्लेख मैंने नहीं किया, श्री महेंद्र जी हिंडावत परिवार भी आज के आमंत्रणकर्ता के रूप में हमारे साथ में है। ये भी उनके लिए एक तरह का सरप्राइज ही हो सकता है मुझे लगता है, इसलिए मैंने ये नाम प्रेषित नहीं किया, लेकिन आज आमंत्रणकर्ता के रूप में हमारे अभिन्न साथी स्वाध्याय परिवार का ये सदस्यगण श्री महेंद्र जी हिंडावत और श्रीमती रचना जी सोगानी, हमारे श्री रमेश जी सोगानी साहब का परिवार। आइए आज हम सभी देवशास्त्र भगवंतों को भक्तिमय अर्घ अर्पित करते हुए प्रत्नत्र धर्म की आराधना प्रारंभ करेंगे। चेतन अनुभव घन मन भीनो, 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 काल अनादि अविद्यावान काल घट घट प्रगट आनट नट नाटक, एक अनेक अनकीनो, एक अनेक अनकीनो, चेतन अनु
श्यामल को देता है शायक आनंद अमृत पीता है बल रवि जग मग करता है सदश प्रभु ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्रद्रव्यो अनर्घपद प्राप्ताय मार्गम निर्वपामिति स्वाहा मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। ये बोली शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। समोषण में विराजित वीतरागी भगवंतों की जय हो। और आइए हम सभी भी आज रत्नत्र धर्म के पूर्ण आज हुए हैं। दस लक्षण महापर्व के क्रम से ही रत्नत्र धर्म होते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और यह मोक्ष मार्ग निश्चय से अपने स्वरूप का श्रद्धान, अपने स्वरूप का ज्ञान और अपने स्वरूप की रमणता, यही वास्तव में रत्नत्र है। और यह रत्नत्र की प्राप्ति हमें होवे इस मंगल भावना से। रत्नत्रय स्वरूप धारक परम वीतरागी भगवंतों के चरणों में बैठकर उस रत्नत्रय धर्म की आराधना हम सभी यहाँ करेंगे। सभी लोगों से अनुरोध है, स्थापना पद्य हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के और पूजन की स्थापना पाठ का मैं वीतरागी भगवंतों को अपनी परिणति में आमंत्रित करें। हाँ जी, प्रारंभ होती है पूजन दस लक्षण रत्नत्रय धर्म की। ये आपके जिनेन्द्र अध्यात्म पूजांजलि पुस्तक जो आदरणीय बड़े पंडित साहब की है, रविंद जी साहब की, उसमें एक एडिशन में 220 नंबर के पृष्ठ पर है। आपके पास उपलब्ध हो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, चरण चय रत्नत्रय
व्यवहार है बस विवेक से कर लिया से हो कर मुझे ओम रीम सी रत्नत्रय धर्म अत्र तरुतर समुष्टान ओम रीम सी सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्युतिष्ठि ठठेति स्थापना ओम रीम सी सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्र मांसनितो सक्षनदिकणं परिपुष्पांजलिं शिवे। और इस तरह से अभी हम सभी यहाँ आदिनाथ भगवान संभावित नहीं वासुपूज्य भगवान का ये जन्म मंदिर जिसका मैंने जिक्र किया था वहां के दर्शन कर रहे हैं हम। और साथ ही साथ में आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं रत्नत्रय धर्म की आराधना अष्टकों के माध्यम से करते हुए। देखा जाए तो पूजन पूज्य पने को प्राप्त वितरागी भगवंतों की होती है, लेकिन उनकी पूजन करते में जो गुण है, क्योंकि जैन दर्शन में व्यक्ति की पूजा को पूज्यपना नहीं प्राप्त होता है, गुणों की पूजा की जाती है। उन्हीं गुणों से सुशोभित एक ज्ञायक तत्व यानी मेरा आत्मा है, मैं उसे प्राप्त करूं तो वास्तव में रत्नत्रय आराधकों की पूजा सफल भी होगी और पूर्ण भी होगी। आइए इन्हीं भावों के साथ में अष्टक प्रारंभ करें। घड़ी घड़ी पल पल चिन चिन निसदिना बौजी का सुमरण करवे घड़ी घड़ी पल पल चिन चिन निसदिना बौजी का सुमरण करवे घड़ी घड़ी पल पल चिन चिन निसदिना बौजी का सुमरण करवे घड़ी घड़ी पल पल चिन चिन निसदिना प्रभु जी का सुमरण करे रे प्रभु जी का सुमरण करे रे ओ प्रभु जी का सुमरण करे रे घड़ी घड़ी पल पल चिन चिन निसदिना प्रभु जी का सुमरण प्रभु सुमरे ते पाप कटत है जन्म मरण दुख हर ले रे जन्म मरण दुख हर ले रे हो जन्म मरण दुख हर ले रे मेरे पल तुम नीर ले विद्या में जो
अक्षपत प्रत्यक्ष निर्मति स्वाहा स्वाहा। और इस तरह से भी हम सभी ने रत्नत्रय धर्म की इस पूजन के मंगलमय अर्घ समर्पित किए। बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक शैली में निश्चय व्यवहार का सुमेल किसे कहते हैं, वह इन पूजनों के माध्यम से हम देख पाते हैं। और निश्चय के बिना व्यवहार नहीं, और व्यवहार शून्य क्रियाएं हो और निश्चय का ज्ञान ना हो तो समझ लेना मोक्ष मार्ग ही नहीं। इसलिए निश्चय सम्यक निर्ले मिथ्या मैल विटा। यहाँ पर पंडित साहब कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस मिथ्यात्व मल को मिटाने के लिए, धोने के लिए जो जल लेकर के आया हूँ वह यह जल नहीं जो संयोगों के कारण अपवित्र हो जाता है, अपितु मैं उस जल को लेकर के आया हूँ जो असंयोगी स्वभाव के कारण निमित्त बनता है, और ऐसा है निर्मल सम्यक नीर। वह सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन,
वह वास्तव में मिथ्यात्व को नाश करने का मूल कारण है। चंदन ले अनुभूति मणि, अनुभूति का चंदन लेकर प्रभु की पूजन की जा रही है। अक्षय पद के कारण अक्षय प्रभु उर्ध्वार, हे प्रभु मैं आपकी पूजा क्यों करता हूँ, क्योंकि आपने अक्षय पद को अपने स्वरूप के बल से प्रकट किया है। कोई बाह्य आलंबन नहीं लिया, अपने ध्रुव स्वरूप के अवलंबन से आपने यह गति प्राप्त की है। आचार्य कुंद स्वामी इस बात को स्मरण करते हैं, ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्राप्त हो। परम ब्रह्म की भावना निर्विकल्प और उद्धार। परम ब्रह्म मतलब कोई अन्य नहीं, परम ब्रह्म मतलब अपना गायक स्वभाव, जिसमें उत्पाद वय और ध्रव्य बने से परिणमन प्रति समय हो रहा है। ऐसा उत्पाद वय ध्रव्य रूप अपना जो गायक स्वभाव है वह परम ब्रह्म है, और उसको मैं निर्विकल्प और धारण करता हूँ। कोई संशय नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई भेद विकल्प कल्पना नहीं, मैं जानने वाला हूँ यह विकल्प भी नहीं। क्या कह रहे हैं, मैं जानने वाला हूँ ये विकल्प भी नहीं। ये सब चर्चा समय सार कलश में आप और हम सभी ने अभी विगत दिवसों में अपने स्वाध्याय के क्रम में की थी। सर्व भावांतर छिदे, वह सर्व भावों से रहित ऐसा चैतन्य गायक भाव, यह वास्तव में परम ब्रह्म, और इसमें निर्विकल्प होने की भावना, इसमें निमग्न होने की भावना मैं धारण करता हूँ। निज रस से ही तृप्त हूँ दोष छुदादि विटार, हे प्रभु मुझे अपना आनंद अपना सुख अपने में दिखता है, इसलिए अब जगत के विषय भोग भोजन आदि विकल्प ये सुहाते नहीं। आगे बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां डाली हैं। सिंचन कर चारित्र तरु पाऊं सेव फल सार, सिंचन कर चारित्र तरु, चारित्र रूपी वृक्ष का सिंचन करूं, और काय से सिंचन करूं कि उसका सिंचन जो होगा वो अपनी परिणति से उसका सिंचन होगा, उसमें निमग्नता होगी तो निश्चित ही मुक्ति के फल फिर उसमें प्रकट होने वाले हैं। स्वरूप रमणता के बिना आज तक किसी जीव ने संसार का भाव नहीं किया। जब तक अभी तक जो भी सिद्ध हुए हैं सिद्धालय में विराजते हैं वह भेद विज्ञान के बल पर स्वरूप की निमग्नता से हैं, और इसी को वास्तव में चारित्र कहा गया है। आपको ध्यान होगा एक पूजन ध्यानत राय जी साहब की, उसमें एक पंक्ति आती है, मैंने इसका उल्लेख कभी बीच में चर्चा में किया भी था, ते एक मुख चारित्र भाषक त्रिजग माही प्रधान है। आपको ध्यान है मैंने इस विषय में क्या आपसे चर्चा की थी, ते एक मुख चारित्र भाषक त्रिजग माही प्रधान है। हमें बहुतायत लोग उसको समूह शरण में विराजमान गंध कुटी के भगवंतों की तरफ से देखते हैं, ये कहते हैं कि हे प्रभु समूह शरण में जो आपके चार मुख दिख रहे हैं ना चारों तरफ, ते एक मुख चारित्र भाषक, मतलब उसमें एक ही मुख है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होता है, बाकी जो चार दिखते हैं वो अतिशय है, तीन और जो दिखते हैं वो अतिशय है। ये यहाँ पे अर्थ नहीं लिया, ते एक मुख चारित्र भाषक मतलब हे समोषण में विराजमान वीतरागी भगवंत, आप एक मुख चारित्र मतलब स्वरूप रमणता के उपदेशक है। आपसे दिव्य धनी भी हो और ना भी हो तब भी आपको देखो तो क्या दिखता है, जब जब आपको देखता हूँ तो मेरे को अपना परम शांत गायक स्वभाव दिखता है। बोलो अभी हम मंदिर जाते हैं तो भगवंत कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते, हम कहते तो हैं समूह शरण है, वीतरागी भगवंतों का समूह शरण है, हमारा जो मंदिर है वो क्या है, समूह शरण है। फिर कोई को प्रश्न उत्पन्न होगा कैसा समोषण है, ये तो काल्पनिक समोषण लगता है, आर्टिफिशियल लगता है, क्योंकि यहाँ दिव्य धनी तो होती नहीं है। भैया आपको तत्व सुनना हो, तत्व का अवधारण करना हो तो भगवंत का उपदेश सदैव प्राप्त हो रहा है। देखो मैं आपके सामने कहता हूँ, आपको सुनाई देगा भगवान का उपदेश। निरखो अंग अंग जिन वर के जिन से झलके शांति अपार, निरखो अंग अंग जिन वर के जिन से झलके शांति अपार, अंतर्मुख मोद्रा हो आत्म तत्व दर्शावे, अंतर्मुख मोद्रा दर्शन कर निज दर्शन पा, दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाए आपे अंतर
दृष्टि विहारे दिन भर जल के शांति अपार आते अंतर दृष्टि विहारे दिन भर जल के शांति अपार अंग अंग जिन भर के जिन से जल के शांति अपार अंग अंग जिन भर के जिन से जल के शांति अपार। देखने की दृष्टि हो तो दिखाई देगा, और यदि दृष्टि में थोड़ा भी अवरोध आ गया हो, एक राई भी अगर नेत्रों के सामने आ जाए तो सुमेरु नहीं दिखता है। ऐसे विकारों का एक भी कण अगर परिणति में आ गया है तो स्वभाव दिखने वाला नहीं है। हे प्रभु, आपकी परम भक्ति से मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत अपने स्वरूप को प्राप्त करूं, ऐसी भावना से आइए अर्घावली प्रारंभ करेंगे। जब बोले सम्यक दर्शन धर्म की जय हो। आपा प्रभु जाना मैं जाना, 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 आपा प्रभु जाना मैं जाना। परमेश्वर मैं किसे सेवक है तो भर में पलाना, परमेश्वर में ये मैं से ऐसो भर में पलाना, हो आपा प्रभु जाना मैं जाना, आपा आपा प्रभु मैं जाना, आपा प्रभु जाना मैं जाना, आपा प्रभु मैं आपा नहीं जाना, तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी, ओ आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, ओ कैसा ज्ञान धारी रे, कैसा ज्ञान धारी रे, कैसा ज्ञान धारी रे, कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना सहज वासल धर्म की मंगलमयी प्रभा धारी चेतन कैसा ज्ञान धारी रे, कैसा ज्ञान धारी चेतन कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। ओम रीम सी अष्टांग सहित पंचमी से दोष रहित सम्यक दर्शाय पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टांग सहित और अष्ट दोष रहित ऐसा सम्यक दर्शन, वास्तव में जो सम्यक दर्शन है क्या है, दंसर मूलो धर्मो, इस धर्म का मूल जो है वह श्रद्धान है। जब तक श्रद्धान विपरीत है तब तक संसार है, और श्रद्धान की सम्यक्तता मतलब संसार का अभाव। जैसे अभी एक बात हम अभी तुरंत विचार करें, मैं भगवान हूं कि मुझे भगवान बनना है, मैं भगवान हूं कि मुझे भगवान बनना है, भगवान बनना है मतलब श्रद्धान में अभी कुछ कचास पड़ी हुई है, कमजोरी पड़ी हुई है, श्रद्धान सम्यक नहीं है। क्योंकि श्रद्धान उसी को कहेंगे जो वस्तु स्वरूप के अनुरूप हो। मुझे भगवान बनना नहीं है, मैं भगवान स्वरूपी ही हूं। क्या कह रहे हैं, और इसी समय अभी हूं, मुझे कुछ करना नहीं है, मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा श्रद्धान यह सम्यक दर्शन है। आइए ऐसे आत्मदर्शन सम्यक दर्शन अहो धर्म का मूल, और वह निसंकित निकांक्षित आदि गुणों से सुशोभित होता है,
अब सम्यक ज्ञान की महिमा हम यहाँ पर भाने के लिए चलते हैं। आप प्रभु जाना मैं जाना, आप प्रभु जाना अष्टविद सम्यक् ज्ञानाय पूर्णार्घं निरुपामीति स्वाहा। और यहाँ सम्यक ज्ञान के पुनः आठ अंगों की चर्चा की गई है। ज्ञान आपके शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, ज्ञानाचार आदि जो आठ प्रकार के भेद हैं उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। बहुत सरल भाषा में पंडित साहब ने दिया है। निज में निज का अनुभव होवे निश्चय सम्यक ज्ञान हो, है निमित्त व्यवहार जिनागम से हो तत्व ज्ञान। जो तत्व ज्ञान का कारण प्रवचन साध जी में भी आगम अभ्यास को प्रथम कहा, लेकिन आगम अभ्यास कैसे किया जाना चाहिए उसकी विधि यदि नहीं ज्ञात होती है तो ज्ञान की प्राप्ति होने की जगह ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण भी बन सकता है और यह प्रमाद वशात अज्ञान वशात जीव की भूल होती है। देखिए जिनवाणी पढ़ने का भाव आना ही चाहिए, लेकिन आए तो विनय पूर्वक आना चाहिए। अभी किसी ने एक बात कही
कि ऑनलाइन की विधि बंद करके और ऐसी प्रैक्टिकली जैसी चलती है क्लासेस उस पे जोर दिया जाना चाहिए। बात तो एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने कारण ये बताया कि बोले जब हम ऑनलाइन प्रवचन सुनते हैं, कभी 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 सुनते हैं, रोज नहीं सुनते, कभी कभी सुनते हैं, तो कभी बिस्तर पे सोते रहते हैं, कभी पलंग पे बैठे रहते हैं, कभी सोफे पे बैठे हैं, कभी टीवी भी चल रही है, कभी ईयरफोन भी मोबाइल कान पे लगा हुआ है। तो इस कारण से बोले मैं इस बात को मानता हूं कि ऑनलाइन ना करके अपने को प्रत्यक्ष बैठ करके करना चाहिए। मैंने कहा आप कब से मंदिर में प्रत्यक्ष बैठे हो? अभी तक तो मंदिर आए ही नहीं हो, क्योंकि मंदिर आए होते तो जिनवाणी की विनय करने का भाव होता। अब जिनवाणी की विनय का भाव होता तो जिन शुद्ध को अवधारण करने की पात्रता योग्यता होनी चाहिए। धर्मसेन स्वामी के सामने जब पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य पहुंचे थे, 3 दिन तक ध्यानस्थ मुद्रा में धर्मसेन स्वामी थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा एक तो हमें बुलाया और कोई चर्चा कर नहीं रहे हैं, हाथ जोड़कर 3 दिन तक बैठे रहे। तब जाकर द्वादशांग श्रुत ज्ञान का उन्हें पात्रता देखकर धर्मसेन स्वामी ने उन्हें वह चीज दी। अपनी योग्यता पात्रता होगी तो इस कली काल में भी सर्वज्ञ भगवान यानी जिनवाणी मौजूद है, और उसका हम विनय पूर्वक यदि आचरण करेंगे, अवगाहन करेंगे, तो निश्चित ही ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। शब्द निर्दोष, उसका अर्थ निर्दोष विचार करें, उभयाचार शब्द भी होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए। इसे पढ़ते ही चले नहीं जाएंगे, हमने कहा 4 पूजाएं पढ़ ली, 3 पूजाएं पढ़ ली, ये ग्रंथ पढ़ करके रख दिया, भाव भासना की कि नहीं, तत्व विचार किया कि नहीं, बिना उसके कार्यकारी नहीं। देखिए हमारा कोई ये व्यक्तिगत घरों से पूजन करने का कोई अन्य ध्येय उद्देश्य नहीं है, ये हमारा उन पूजन के अर्थ विचार करने का भी काल होता है, क्योंकि हम कई बार क्रमिक पद्धति में जब चलते हैं हम इस क्रिया को बिल्कुल ओझल करते हुए चल रहे हैं, मतलब हमारी आदत पड़ गई है। मैं मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन कहे बिना रहता भी नहीं हूं कि हम कहीं अपने को मुमुक्षु और आत्मार्थी मानकर कहीं शुष्क तो नहीं हो गए, कहीं निश्चाभास की झलक तो अंदर नहीं आ गई। हम व्यवहाराभाषी या जगत में जो पूजा भक्ति कर रहे हैं, अन्य मित्र पक्ष उनको देखकर तो कहते हैं अरे ये तो धर्म शून्य क्रियाओं में लगे, धर्म शून्य क्रियाओं क्रियाकांड में फंस गए, और हमने अपना अन्वेषण किया ही, हम अपनी परिणति को टटोल नहीं पा रहे, अवक्ष का त्याग नहीं हो रहा है, बाहर का आचरण सुधर नहीं रहा है, रात्रि भोजन त्याग नहीं हुआ है, छने पानी का नियम नहीं है, और गायक स्वभाव शुद्धात्मा परम शुद्ध है ऐसा बोलना आ गया है। तो इतने से काम तो बिल्कुल नहीं होने वाला, पर काम 100% बिगड़ने वाला है, इसमें कहीं कोई शंका का स्थान नहीं। क्या कह रहे हैं, बात कड़वी लगे तो ये समझ लेना कि अपने हित की होगी, इसलिए कड़व लग रही है। ये महासुदर्शन चूर्ण है, कड़व तो लगेगा, पर जीर्ण ज्वर है अनादि का, मिथ्यात्व का, उसको निपटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए खाना तो पड़ेगा, और प्रीति पूर्वक लेना पड़ेगा, विनय पूर्वक लेना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा आप चटाई पर बैठ करके क्यों नहीं करते? नहीं, बोले मुझे बैठते नहीं बनता। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आप मंदिर में भी कुर्सी पर बैठते हो, इसलिए आपको भाव ही नहीं होता कि घर में जिनवाणी भी सुनने मिले तो आप भाव। देखो मुझे एक बात की प्रसन्नता है, मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में जब भी हम सामायिक आदि करते हैं, जो भी विधि निषेध विधि की व्यवस्था की बात आपसे की जाती है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। हम भरी सभाओं में वो नियम नहीं पालन कर पाते, लेकिन लोग अपनी अंतर भावना से घर में बैठ करके उसको कर रहे हैं, लोग चटाई पे बैठकर सफेद कपड़े पहनकर, और जो विधि होती है, देखो परिणाम जोड़ोगे तो आपका लक्ष्य भगवंतों से जुड़ेगा और अपने हित से जुड़ जाएगा। बस इस भावना को रखिएगा, कोरोना फिर बढ़ रहा है, स्ट्रेन 2 आ रहा है, लेकिन अपना श्रद्धान उससे कई गुना मजबूत होना चाहिए। बाहर जाने के विकल्प को कम करें, अंदर आने की तैयारी तेजी से बढ़ाएं, और जितना अंदर आ सके उतना अपना भला। आइए, सम्यक ज्ञान का अर्घ पूर्ण हुआ, सम्यक चारित्र की ओर हम सभी बढ़ते हैं। दिगंबर मुनि भगवंतों का मंगल स्मरण करते हैं, जो वास्तव में सम्यक चारित्र के मूर्तिमान भगवंत के रूप में पंच परमेष्टियों में सम्यक चारित्र की दशा जन्म देखने को मिलती है, ऐसे दिगंबर मुनि राजों का स्मरण करते हुए और यह सम्यक चारित्र का अर्घ समर्पित करें। पंच परम परमेष्टी देखे, पंच परम परमेष्टी देखे, आरण दिगंबर मुनि
सम्यक चरितय कोणार्घम निर्वोपामीति स्वाहा। स्वाध्यायों में आप सभी ग्रंथों का अभ्यास जब करेंगे तो सम्यक चारित्र के 13 प्रकार का चारित्र की चर्चा आती है और यहाँ पर उसी त्रयोदश सम्यक चारित्र को अर्घ समर्पित किया गया है। वास्तव में एक सूत्र और आता है चारित्रम खलु धर्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है और वहां चारित्र शब्द की जो संज्ञा व्याख्यात की गई है वह निश्चय चारित्र की मुख्यता से ही की गई है। निश्चय चारित्र मतलब स्वरूप रमणता। मुझे ब्रह्मचारी हरि भाई की यह बात बड़ी गजब की लगती है, उन्होंने बाल पोथी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप उद्घाटित किया। बाल पोथी, बाल पोथी मतलब वह बच्चा जो 2.5 साल का है, 2 साल का है, जिसको हम कहते हैं आजकल हम लोग प्ले स्कूल में भेजते होंगे, वह बच्चा जब पाठशाला आता है और वहां आकर के बाल पोथी में पढ़ता है सम्यक दर्शन कोने कहे छे, किसको कहते हैं? तो कहते हैं आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन। लोग सोचते होंगे कैसे समझ में आता होगा, कैसे समझ में आता होगा, ये तो बात बड़ी कठिन है। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? आत्मा की लीनता सम्यक चारित्र। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, यह कहते हैं अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। 8 साल का बच्चा हो या गाय को चराने वाला ग्वाला हो, उसको भी आत्म बोध करने की पात्रता योग्यता है। संगी पंचेंद्रीय जीव है, वह जीव इस तत्व को समझकर स्वरूप को समझकर उसमें हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बिल्कुल भी बात नहीं है। ऐसे बहुत सुंदर दर्शन ज्ञान और चारित्र, और वास्तव में इस चारित्र में व्यवहार चारित्र पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ज्ञान शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं है। हमारे कहना चाहिए इनके राजचंद जी साहब की पंक्तियां आत्मसिद्धि में जो आती हैं वह आपके ध्यान में होंगी, है ना। कोई क्रिया जड़ थई गया शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे कोई। कोई क्रिया जड़ हो गया और तो कोई शुष्क ज्ञान में रह गया, परंतु मूल प्रयोजन को जिसने भूल गया उसे रत्नत्रय की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यह रत्न अमूलक दुर्लभ है, करी पुरुषार्थ समारोह, बहुत संभाल करने की जरूरत है, क्योंकि विषय चोर बहुत भटकते हैं।
मैं आपको सच बात कहता हूँ, हम जब भी अपनी आराधना काल को अन्य मतलब विराम लेते हैं तो उस समय हम आराधना ही कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, और यदि हम वहां से हटे हुए हैं तो इससे बेहतर है कि हम उसमें लगे ही रहें। क्योंकि निश्चित समझ लेना, संसार का अनादि संस्कार जीव का ऐसा पड़ा हुआ है, मौका मिला और जीव फिसला छूटा। बहुत बहुत यानी आप अंतर परिणति को टटमूल के देखना, मैं अपनी खुद की बात कहता हूँ, प्रमाद में जाने में बहुत कम समय लगता है। स्वास्थ्य का कारण बनाकर भी हम जब भी विराम लेते हैं तो उतना उपयोग को केंद्रीकृत नहीं करते अपने स्वरूप पे जितना करने की आवश्यकता है। आत्मचिंतन का है यह विषय, उपदेश का है। आइए हम सौठा छंद इसी भक्ति के साथ लेते हैं और फिर उसके साथ में आगे की जयमाला प्रारंभ करें। आज चिंतन का ये समय आया, आज चिंतन का ये समय आया, बाकी दर्शन क्या खोया क्या पाया, आज चिंतन का ये समय आया, आज चिंतन का ये समय आया, बस यही तो समझ नहीं पाया, बस यही तो समझ नहीं पाया, बाकी नर्तन क्या खोया क्या पाया, आज चिंतन का ये समय आया। मिट्टो मिट्टो बोल थारो खाई बिगड़े, खाई बिगड़े थारो खाई बिगड़े, ओ मिट्टो मिट्टो बोल थारो खाई बिगड़े, खाई बिगड़े थारो खाई बिगड़े, मिट्टो मिट्टो बोल थारो खाई बिगड़े, खाई बिगड़े थारो खाई बिगड़े, ओ मिट्टो मिट्टो बोल थारो खाई बिगड़े, बिगड़े थारो खाई बिगड़े, अरे यो जीवन में दम नहीं कब मिट जाए मालूम नहीं, मिटो मिटो बोल थारो खाई बिगड़े, खाई बिगड़े थारो खाई बिगड़े, ओ नमक दर्शन ज्ञान अरोचा जिंदगी एकता यही स्वरूप है, महिमा परम पार वचन सोच जान में तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, तू मान ले हाँ धन दे, तू मान ले हाँ ध्यान दे, यो जीवन हर दम नहीं कब मिट जाए मालूम नहीं, मिट मिट बोल थारो खाई बिगड़े, खाई बिगड़े थारो खाई बिगड़े, मिट मिट बोल थारो खाई बिगड़े, खाई बिगड़े थारो खाई बिगड़े। ये क्षमा करना, बोल तो रहे हैं मीठो मीठो बोल, कभी कभी मैं खुद बहुत कड़वा बोल जाता हूँ। कल क्षमावाणी महापर्व है, हम सभी अपने क्षमा स्वामी आत्मा की आराधना करते हुए विगत एक वर्ष में जो भी कहीं वितरागी देवशास्त्र गुरु के संबंध में और हमारी अज्ञानता वशात और राग वशात ही सही और कठोर वचन निकले हो तो क्षमा धारण करना। आइए, यह क्षमा उन्हीं के होती है जो रत्नत्रय धर्म के धारक होते हैं। ऐसी मंगल भावना के साथ जय माया पाठ। सम्यक् रत्नतयात्मरूप सम्यक् रत्नतय शिवस्वरूप, सम्यक् रत्नतय जगत्सार नहीं से हो भव सिंधु पार, सम्यक् रत्नतय ज्योति रूप नहीं कहिर ले सत्सम मोह रूप, निज रत्नतय वैश्वत्य भाव प्रगटे विगटे
आप सभी पुस्तक आपके पास होगी, निश्चित ही इस जयमाला का आप थोड़ा सा तत्व विचार करिएगा, चिंतन करिएगा। ध्याऊ स्वरूप स्वरूप श्रेणी चढ़ाऊ निर्मुक्त परम पद सहज पाए ऐसी महिमा मन में सुभाऊ पूजो रत्न त्रय मुक्ति दाए। वास्तव में अभी हमारे ऋषभ जी ने भजन गाया छिंदवाड़ा से टिकट कटा लो पार्श्वनाथ पहाड़ की। कोई पूछ सकता है साहब डायरेक्ट ट्रेन है क्या आपके यहाँ से छिंदवाड़ा से, जो आप कह रहे हो कि टिकट कटवा लो, और टिकट कटवाएगा कौन? इधर पे अपनी टिकट अपने को ही बनानी पड़ेगी और अपने भावनाओं को समर्पित करके ही तैयार करनी पड़ेगी। मार्ग तो इतना सीधा है कि एक समय का काम है और वह एक समय का काम अनादि से अटका हुआ है। आइए हम सभी इस रत्न त्रय की आराधना के साथ उस कार्य को अब दीर्घकालीन तक न ले जाएं और अल्प समय में अपने स्वरूप को प्राप्त कर शाश्वत सिद्धता को प्राप्त करें, ऐसी भावना से विराम लेंगे। आज के आमंत्रणकर्ता परिवार के रूप में हमारे श्री महेंद्र जी हंडावत परिवार और हमारे जो रांची से परिवार था, मैं महेंद्र जी हंडावत परिवार को मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। कभी कभी ऐसा सहज योग संयोग बनता है, परिवार परिजन कोई मंगल तिथि पर पूजन करने का भाव सजाते हैं। हो सकता है उनके घर में कोई मंगल तिथि हो, किसी का जन्म दिवस हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे उस विषय पे जानने की जिज्ञासा विशेष नहीं है। लेकिन जन्म मरण का भाव हो,
जो परिवार रुचि अनुसार तत्व संस्कार से जुड़ा हुआ हो, यह पूरा का पूरा परिवार यदि हम चाहते हैं अपने प्रेम अपने से करते हैं, जिसे रागियों से राग है, प्रेमियों से प्रेम है, तो उनका प्रेम अनंत हो जाए और वह सब सिद्ध दशा को प्राप्त करें। जैसे हम यहाँ बैठे हैं भगवंतों की पूजा में, ऐसे सिद्धालय में भी बैठे इस मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। अंतिम दोहा, माँ जिन वाणी गायक बताए दियो रे, माँ जिन वाणी गायक बताए दियो रे, आनंद भयो रे, आनंद भयो रे, आनंद भयो रे, आनंद भयो रे, ओ बड़े सुने चिंते आओ, ओ जी करियो रे चाहो, पुष्पांजलि क्षिपे। और इस तरह से हम सभी ने दस लक्षण महापर्व रत्नत्रय पर्वों की मंगल आराधना की। आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुम्हें को अर्पो भवतार ओम रेम श्री विश्वादि वीरंदेव्यो नरपद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। जवली शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मूल है, अर्घ पद के धाम, उस धर्म पद को पा लिया, अत्यंत आनंद आपने, हम सनातन सुसार तुम से गुणों के काम, ते सब ज्ञान महान, तेरे हमारे ध्यान में। ओम ऋषि श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नरपद प्राप्त अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। और 16 कारण भावना का अर्घ समर्पित कर रहे हैं। जल फल आठो दर्भ चढ़ा, ध्यान तवरत करो बचलाए, समुच्चय मार्ग पूर्वक आज के इस सुंदर जिन मंदिर दर्शन के लिए और वहां विराजमान वितरागी भगवंतों का स्मरण करते हुए अर्घ समर्पित करेंगे। और उसी के साथ आज के इस जिन दर्शन का निमित्त बनने वाले हमारी बहन रचना जी सोगानी और उनका पूरा परिवार, और जिस परिवार की मंगल भावनाओं से वासु पूज्य जिन मंदिर का निर्माण हुआ, निश्चित ही यह निर्माण निर्वाण की भावनाओं से ही बना होगा और वह निर्माण की प्राप्ति हो, यह मंगल शुभकामनाओं के साथ आइए अब हम भगवंतों का आभार प्रारंभ करते हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजो से पूजो धाम, आचार्य श्री वसाय पूजो खाद पूजो धाम, अनंत वासन मैं पूजो खाद पूजो धाम, भाषा
ओम रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु भयो द्वादशांग जिनवाणे भयो उत्तम क्षमा जिदस लक्षण धर्माय दर्शन शुद्धादि सोलस काणे भयो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भयो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम जिन चैतन्य भयो पंचमेर संबंधी श्री चैतन्य भयो महार्गम निर्वपामिति शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री कर हम सारी के लघु पुरुष के कथा विधि पूजा करे करण मंगल करण आशा करण दिन पूजा सही यह चेत में शान मेरे शक्ति है स्वयं पुष्पांजलि शिवे सभी लोग तीन बार ओंकार मंत्र का स्मरण कर काय सर क्षमा करना विसर्जन बिन जाने वा जान के यही टूट जो खोय प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो पूजन विधि जानो नहीं जानो और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान भगवान भी हो मंगलम
जबली 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जबली रत्नत्रय धर्म की जय हो। जबली अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। हम सभी एक बार इस जिन मंदिर का पुनः पुनः दर्शन अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ में संध्या काल का जो हमारा 8:30 बजे का स्वात है, अभी 2 दिनों से विराम था, आज से हम पुनः उसे प्रारंभ करेंगे। यदि स्वास्थ्य की बहुत अनुकूलता नहीं भी प्रतीत हुई तो भी हम कुछ अन्य उपक्रम के साथ जुड़ेंगे, लेकिन निश्चित ही वह धारा नहीं टूटनी चाहिए। सुनाते ही रहना काम नहीं है, सुनना भी तो एक बहुत आवश्यक कार्य है। आज तक हमने भगवंतों की नहीं सुनी है, इसीलिए हमारा काम नहीं बना। तो निश्चित ही हमारे पास बहुत अच्छे कुछ ऐसे प्रवचन श्रृंखलाओं के संग्रह हैं, जिसके आधार पर भी हम संध्याकालीन सत्र आज से प्रारंभ कर देंगे, 8:30 बजे से अपना संध्याकालीन सत्र। आइए हम सभी जुड़ते हैं मंगल तीर्थ दर्शन, रांची दिगंबर जैन मंदिर, 2 जैन मंदिर, भव्य जैन मंदिरों का दर्शन। वसुधा हो रही प्रभु जयकार रे, आया पंच कल्याणक। मंगल महोत्सव पार्श्व कुंवर का हर्षित है, वसुधा अपार रे, आया पंच कल्याणक। Thank you.
धुंद बिताल उड़े केसर गुलाल आए पारस कुमार कुमार रे कुमार आए पारस कुमार कुमार रे कुमार आए पारस कुमार
पावन ये घड़िया। जन्म महोत्सव की पावन ये घड़िया। श्रद्धा के सुमनों से सज गई नगरिया। श्रद्धा के सुमनों से सज गई नगरिया। भक्ति के भाव की छलके है गागर। भक्ति के भाव की छलके है गागर। जन्म महोत्सव की पावन ये घड़िया। बहुत ही सुंदर इन भव्य जैन मंदिरों को, यद्यपि हमने अभी लगभग कुछ ही दिवस पहले, एक डेढ़ महीने पहले ही यहाँ के दर्शन किए थे, लेकिन जब भी इन मंदिरों के दर्शन करते हैं तो बहुत ही हमें ऐसा एक नया रोमांच उत्पन्न होता है। बहुत प्राचीन और बहुत सुंदर कलात्मक निश्चित भावनाओं से बने हुए ये जैन मंदिर। अभी हम बैठे बैठे चर्चा भी कर रहे थे आपस में कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही प्राचीन जैन मंदिर एक था जिसे वास्तु दोष के नाम से तोड़ दिया गया। और बहुत ही सुंदर मंदिर था। अज्ञानता क्या काम ना कराए, और ज्ञान हो तो क्या सही मार्ग प्रशस्त ना हो। निश्चित ही हम सभी ऐसे सम्यक मार्ग को पाकर अपने हित की दृष्टि से इस आलम्बन को लें। आगामी दिवसों में, कल तो हमारी पूजन है 28 तारीख को, उसके बाद साप्ताहिक क्रम से हम जुड़ा करेंगे शनिवार इतवार। लेकिन हमारे जो स्वाध्याय ग्रुप और हमारा सूत्र संस्थान कमेटी, उनके साथ विचार मंत्रणा जैसी भी हमारी तय होगी। यदि प्रातःकालीन सत्र पर स्वाध्याय की समय अनुकूलता ही बनती है तो कोई एक नया उपक्रम जोड़ते हुए हम साथ में रहा करेंगे। संध्याकालीन सत्र यथावत चलेगा। आज रात्रि से कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के सत्र में जुड़ेंगे। जैसी जो व्यवस्था होगी वह उस अनुसार संध्याकालीन 8:30 बजे हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी को जय जयनंद। सभी आराधना पथ पर आगे बढ़े, इसी मंगल भावना के साथ विराम। कल क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए सभी साधन में पुनः पुनः भगवंतों के समक्ष क्षमावाणी पूजन के लिए इसी समय प्रातःकाल जोड़े। सभी को जय जय।